असलकुम, वेलकम टू अनदर वी डॉग इन हुसैन किचन। हुसैन किचन में आज ग्रीन ग्रीन हो रहा है और हुसैन की स्पेशल फरमाइश पे हम बनाएंगे मिल्की पालक, जिसके लिए मैंने एक गट्ठा पालक को लेके काट लिया है और धो लिया है। अब हम इस पालक को बनाने के लिए थोड़ा सा लेंगे पानी, एक कप मैंने पानी लिया है, और इस पालक को हम इसमें ऐड कर देंगे। पालक और पानी को मैंने ऐड कर दिया है, एक कप पानी के अंदर मैंने पालक डाल दी है एक गट्ठा, और अब मैं इसको चूल्हे पर बॉयल होने के लिए रखूँगी यहाँ तक कि ये बॉयल होके पक जाए, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। पालक जो है वो बॉयल होना शुरू हो गई है और हमने इतना वेट करना है कि पालक का थोड़ा सा पानी भी जो है वो कम हो जाए और पालक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ताकि हम इसको ग्राइंड कर सकें। मेन मैट हमारे किचन में बन रही है इनके फेवरेट कैनन्स के नगे, और पालक जैसे ही बॉयल हो जाएगी हम इसको ग्राइंड करेंगे और फर्दर इंग्रेडिएंट के लिए स्टे ट्यून्ड। पालक का पानी आपने देखा बिल्कुल ड्राई हो चुका है और पालक जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको ग्राइंडिंग बाउल के अंदर डाल के इसको ग्राइंड करूँगी। मज़ीद इंग्रेडिएंट जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें मसाले में हमें चाहिए होगा नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके साथ मैंने दो टमाटर लिए, उनको मैंने काट लिया, और दो हरी मिर्च। अब हम इसको ग्राइंड करके फर्दर जो है बनाने के लिए मसाला बनाएंगे। पालक हमारी जो है वो ग्राइंड हो चुकी है, इंग्रेडिएंट रेडी है। वन सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि हम ऐड करेंगे पालक को भूनते वक्त वो है दूध, जिससे पालक बनेगी मिल्की और स्पेशल फॉर मोहम्मद। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के साथ साथ उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज छोटी सी जो है वो ब्राउन होने के लिए रख दी है। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगी हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स करेंगे। प्याज जो है परफेक्टली ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसमें मैंने दो लहसुन के जोए लिए, साथ उतनी ही अदरक ली है। थोड़ा सा हम लहसुन और अदरक को गोल्डन होने का वेट करेंगे। जो ग्रीन चिली है वो मैं ऐड कर दूंगी पालक के अंदर ताकि इसका एसेंस इसके अंदर आ जाए, और थोड़ा सा गोल्डन लहसुन होने पे, लहसुन और अदरक थोड़ा सा गोल्डन होगा, हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जैसे ही इतना पानी इसमें छोड़ेगा तो सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाएगा। मसाला मिक्स होने के बाद हम इसमें जो हमने लिए फोर इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें नमक, हल्दी, सूखा धनिया और लाल मिर्च है, ये ऐड करते हैं। अब हम मसाले का चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसके पकने का वेट करेंगे। थोड़े से टमाटर इसमें सौते हो जाएंगे तो हम इसमें मज़ीद फिर पालक ऐड करेंगे। स्टे ट्यून्ड। टमाटर जो हैं वो पक चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम ऐसा करेंगे कि इसका स्टोव खोल करके इसका पानी जो है उसको ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई करने के साथ पालक और जिसमें दो हरी मिर्च है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि पालक अपना पानी छोड़ती है, तो पानी छोड़ने के बाद उसको ज़्यादा अच्छे से भूनना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और अब पालक जो है वो बॉइलिंग फेज़ में आ जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे ऑल पर्पस मिल्क, या आप खुला दूध जो भी इस्तेमाल करते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किया अंदाजे से। उसके बाद पालक जो है कुछ वाइटिश हो जाएगी, लेकिन वाइटिश होने के बाद जब हम इसको भूनेंगे तो ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगी। स्टे ट्यून्ड जब तक इसका पानी खुश्क होता है। पालक हमारी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने के फेज़ में एंटर हो चुकी है क्योंकि पालक ने अपना पूरा ऑयल जो है वो छोड़ दिया। स्मोक बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन पालक का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और अब हम पालक को भून लेंगे, और भूनने के बाद पालक रेडी टू सर्व है। दूध की वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसको ड्राई करना पड़ेगा, लेकिन फाइनल जो पालक है वो रेडी टू सर्व है।
मसाला कम्प्लीटली अपना ऑयल छोड़ चुकी है और रेडी टू सर्व है। सर्विंग प्लेट में हम इसको निकालेंगे। क्लासिक मिल्की पालक जो है वो सर्विंग प्लेट में आ चुकी है और आप चाहें इसको नान या पराठे या देसी घी के पराठे के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वीलॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीलॉग। थैंक यू।